तो यार मैं एक्चुअली सुनाने तो कुछ और आया था, बट इतनी अच्छी ऑडियंस देख के मेरा थोड़ा मैंने अपना वो बदल लिया हल्का फुल्का। सो यहाँ प्यार में पागल कितने लोग हैं, या मतलब बहुत प्यार 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 भाई साहब थे। देखो अगर वो भी पागल है या वो भी पागल है तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज प्लीज नहीं हो पाएगा। सो आई आई रोट समथिंग अबाउट दैट। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सेंसिबल मोरन हूँ, बेसिकली समझदार पागल। मैं पहले समझदार था तो बहुत इज्जत थी बट खुश नहीं था, फिर पागल बन गया तो इज्जत बहुत थी लेकिन नहीं, खुश बहुत था लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं थी। तो मैं सोचा बैलेंस बना लेते हैं, समझदार भी रहते हैं और पागल भी रहते हैं, और तो मैंने अपनी पोइट्री ऐसे स्टार्ट करी थी बस। सो पहला माई पोइम गोज, प्यार में पागल मत हो, प्यार में समझदार बन जाओ। वही डायरेक्टली सुनते हैं ना, कि क्या हुआ जो नहीं रहना चाहते हैं वो तेरी महफिल में, कि क्या हुआ जो नहीं रहना चाहते हैं वो तेरी महफिल में, और क्या हुआ जो छोड़ गए वो तन्हा बीस तुझे किसी महफिल में, कि क्या हुआ जो नहीं रहना चाहते हैं वो तेरी महफिल में, और क्या हुआ जो छोड़ गए वो तन्हा बीस तुझे किसी महफिल में। गुस्सा मत कर आगे बढ़ जा, प्यार में पागल मत हो, प्यार में समझदार बन जा। गुस्सा मत कर आगे बढ़ जा, प्यार में पागल मत हो, प्यार में समझदार बन जा। अरे अंधों के बाजार में आईना बेच रहा था तू, और आईना ना बिके तो आईने को ही कोस रहा था तू। अंधों के बाजार में आईना बेच रहा था तू, और आईना ना बिके तो आईने को ही कोस रहा था तू। अबे पागल है क्या, सही बाजार में जा, हीरा है तू हीरा, कोयले के बाजार में अपनी बोली ना लगा, और प्यार में पागल मत, प्यार में समझदार बन, प्यार में समझदार बन। नेक्स्ट लाइन मैंने कुछ पापा के लिए लिखी है। मैं शायद सेंटी हो जाऊँ तो मुझे थमाल लेना, मतलब मुझे ऐसा लगता है हमेशा जितने फादर होते ना बहुत ही बेचारे अंडर रेटेड, मतलब रह जाते हैं, उनको कोई कुछ दे ही नहीं पाता, सब मम्मी 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 सब मम्मी ले जाती हैं, गलत बात है ना। तो मतलब मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, वो होता है ना, मतलब आई नॉट हेट वुमेन बट समहाउ मुझे वो रहता है कि यार तुम तो औरत हो यार टाइप से। और जितने भी ये फेमिनिस्ट और ये वो चलाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों चलाते हैं यार। हम मतलब वी मैन वी आर नथिंग, सीरियसली वी आर नथिंग, यू आर सुपीरियर, वे सुपीरियर देन एवरीबडी, सीरियसली यू आर। तो हमें चलाना चाहिए ना, वो होना चाहिए मेल, व्हाट यू से, मेल एम्पावरमेंट, हम तो बेचारे, बट ठीक है। सो डैड पे लिखा है कुछ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं डैड को, पिता, पिता इज दी, आई थिंक पिता इज दी एक्चुअल और हिंदी वर्ड। कभी सोचा क्यों बोलते हैं तेरा भाई? सो दे आर पिता, मतलब एक ही चीज़ नहीं होती। सो मैंने इस पे ये लिखी है, अब आप समझ ही गए तो अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ वो पिता है क्योंकि वो सब पीता है, हाँ वो पिता है और वो सब पीता है, ऑफिस से लेट आने पर माँ के ताने, बच्चों की फरमाइश न पूरी होने पर उनका गुस्सा, अपने नौकरी की सारी परेशानियाँ, अपने व्यापार की सारी वो टेंशन, खुशी खुशी जिंदगी भर हंसते हंसते पीता है। हाँ वो पिता है क्योंकि वो पीता है, जिस रोटी का अनाज बनाकर माँ बड़े प्यार से पूरे परिवार को खिलाती है ना, और अनजाने में शायद उसका सारा श्रेय खुद ले जाती है, उस अनाज को कमाने के लिए वो अपनी कमर तोड़ता है, पर अपने सारे दर्द अपने सारे आंसू वो चुपचाप पीता है। हाँ वो पिता है क्योंकि वो सब पीता है। जब परेशान हो जाता है ना सबसे, तो हाँ वो थोड़ी शराब भी पीता है क्योंकि वो पिता है और वो सब पिता है। आई लव यू डैड, थैंक यू सो मच। दो मिनट और जिंदगी पे कुछ सुनाता हूँ। ये मेरी पहली पहली पोइट्री थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। तो अभी आप मतलब आई डोंट नो, बस सब यंग ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं शायद, है ना, सब यंग ही हैं, है ना, लग ही रहे हो यार। तो ज़िंदगी पे कुछ लिखी थी कि ऐ ज़िंदगी माना कि जेब में पैसा नहीं, दिल में सुकून नहीं, मन में चैन नहीं, मगर यूँ ना समझ कि थक हार के रुक गया हूँ मैं। क्या ज़िंदगी माना कि दिल में चैन नहीं, मन में सुकून नहीं, और जेब में पैसा नहीं, मगर यूँ ना समझ कि थक हार के रुक गया हूँ मैं, आराम कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थक गया हूँ।
माना कि कहीं मंजिल दूर है अभी, लेकिन तेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों से मैं डरा ज़रा भी नहीं। यकीन नहीं आता तो चल दो दो हाथ हो जाएं, यकीन नहीं आता तो चल दो दो हाथ हो जाएं। तू गरीबी आजमा, मैं अपने सपने आजमाता हूँ। तू गरीबी आजमा, मैं अपने सपने आजमाता हूँ। तू दुख आजमा, मैं अपनी मुस्कान आजमाता हूँ। तू परेशानी आजमा, मैं अपना अनुभव आजमाता हूँ। अरे तुझे जो आजमाना है तू वो आजमा, मैं सिर्फ अपना हुनर आजमाता हूँ। और मैं सिर्फ अपना हुनर आजमाता हूँ। और याद रख कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कि याद रख कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं चाहूँ तो तुझे बना भी सकता हूँ और बिगाड़ भी सकता हूँ। Now having conversation with life, कि याद रख कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं चाहूँ तो तुझे बना भी सकता हूँ और बिगाड़ भी सकता हूँ। और दे वक्त थोड़ा मुझे, फिर देखेगा यह ज़माना, कि दे वक्त थोड़ा मुझे और फिर देखेगा यह ज़माना। बना दिया मैंने तुझे जैसा मुझे था बनाना, और जैसा मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।